हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रस्ट विद लॉ। वी ऑल मेड अ ट्रस्ट विद लॉ सम टाइम इन लाइव्स एंड दैट्स ऑब्वियस। दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की तैयारी शुरू करते हैं। इनफैक्ट बहुत लोगों ने मेरे से कहा और इट्स हाई टाइम दैट वी स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। वी विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट केस, राम जवाया कपूर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। मैं शेयर कर देता हूँ स्क्रीन। इनफैक्ट पिछली बार मेरे से कई लोगों ने कहा कि मतलब कुछ मुझे नोट्स भी शेयर करने चाहिए ताकि आप लोग के लिए रिवाइज करना आसान रहे, तो मैंने कुछ थोड़े मोड़े बनाए हैं। चलिए लेट्स, बट द नोट्स आर नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर दिस एक्सप्लेनेशन। विद दिस लेट्स स्टार्ट। राम जवाया कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1955 का केस है। तो इसमें दोस्तों हुआ ये था कि कुछ जो पेटिशनर्स थे यहाँ पर, वो एक पब्लिशर्स थे। आपको नाम इम्पोर्टेंट नहीं, इसमें मैंने लिख दिया उत्तर चांद का पूरे सेंस, बट समझिए, बस कहानी समझिए। तो पब्लिशर्स थे और उन्होंने एक पिटिशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 30। उनके ग्रीवेंसेस क्या थे? तो वो पहले करते ये थे कि जैसे मान लीजिए आप और मैं पब्लिशर हैं, तो हमने कोई किताब पब्लिश की और उसके बाद हमने किसी स्कूल को दिया। अब उस स्कूल में लेट से प्रिंसिपल, हेडमास्टर, जो भी कहिए, वो डिसाइड करेगा कि ये किताब ठीक है या नहीं है। अगर उसमें से कोई भी किताब चुनेगी तो वो जो पब्लिशर है, अकॉर्डिंगली उसके बुक्स प्रिंट होंगे और वो किताब उस स्कूल में चलेगी। अब ये अलग अलग स्कूल में अलग अलग लोगों की किताब चल सकते हैं। जैसे कुछ स्कूल में आपकी किताब सेलेक्ट हुई, कुछ स्कूल में मेरी किताब सेलेक्ट हुई, तो हम सब लोगों के बिजनेस चल रहे हैं। अब एक नोटिफिकेशन पंजाब गवर्नमेंट ने दिया पहले 1950 में, फिर 52 में। तो जिसमें हुआ ये कि जो किताबों की ये जो है, इनफैक्ट अब गवर्नमेंट खुद ही पब्लिश करती और गवर्नमेंट ऑथर के साथ वो एक अग्रीमेंट में चल जाएगी, ऑथर उसको अपना कॉपीराइट दे देगा। अब गवर्नमेंट किताब प्रिस्क्राइब करेगी कि ये किताब लेना है और जो स्कूल है उसी बुक को एक्सेप्ट करेगा। तो इनका ये कहना था कि पब्लिशर्स की लाइवलीहुड खत्म हो गई इससे, विच इज द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19(1)G। और दूसरी बात ये कि उनकी ये जो इट ऑल्सो वायलेट देयर फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी। मतलब प्रॉपर्टी वैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए था उसमें, लेकिन इस चीज को भी कि आप आपके लाइवलीहुड को भी प्रॉपर्टी से रिलेट किया जाता था उन दिनों। तो और इनका तीसरा जो में एक कंटेंशन ये था जिस पे ये केस बेस्ड है, मिली सेपरेशन ऑफ पावर पे, इनका कहना ये था कि एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है? टू एग्जीक्यूट द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। तो अगर पार्लियामेंट ने कोई ऐसा लॉ बनाया नहीं है कि जिससे आप मतलब पब्लिशिंग के बिजनेस में जा सकते हो, तो फिर आप एग्जीक्यूटिव पब्लिशिंग के बिजनेस में कैसे जा सकते हैं कि ऑथर से हम अग्रीमेंट कर लेंगे और कॉपीराइट ट्रांसफर करवा के हम पब्लिश करेंगे, ऐसा कैसे कर सकते? तो इनके मेन कंडीशन ये थे। और वो जो 19(1)G वैलिड वाली बात थी, उसमें उनका ये कहना था, और इनफैक्ट 31 से भी, क्या फंडामेंटल राइट जब वैलिड कर रहे हो तो आपके पास एक लॉ होना चाहिए, एंड दैट लॉ शुड कंफॉर्म टू, जैसे 19(1)G का वायलेशन के लिए 19 क्लॉज 6 में बातें दी हुई है कि पब्लिक इंटरेस्ट और किन किन चीजों के लिए आप स्टेट टेक ओवर कर सकता है। तो अब इसके सपोर्ट में, जैसे जो इनफैक्ट मैंने केसेस रिफर्ड में इनका नाम भी दिया हुआ है, तो केस इनके सपोर्ट में इन्होंने एक ऑस्ट्रेलियन केसेस यूज किए, जैसे कॉमनवेल्थ एंड द सेंट्रल वूल कमिटी वर्सेस कॉलोनियल कॉम्बिंग स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी लिमिटेड। तो इसमें ये था कि इसमें कोई एक कंपनी थी जो कि ये कुछ मतलब मिलिट्री के लिए ड्रेस बनाती थी, बाद में गवर्नमेंट ने उसको ले लिया, तो उसको वहां पे कोर्ट ने इसको गलत कहा था, जो ऑस्ट्रेलियन हाई कोर्ट ने, अच्छा ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन हाई कोर्ट होता है ध्यान रखिएगा, तो उसने इसको गलत कहा था। लेकिन इसको जब यहाँ, और उसने ये कहा था कि आपके पास पावर है टू एग्जीक्यूट द लॉ विच इज मेड बाय द पार्लियामेंट, और चूंकि यहाँ पे कोई ऐसा लॉ नहीं है और कोई ऐसा मतलब कॉमनवेल्थ के लिए कोई काम नहीं है, इसलिए आप ये नहीं कर सकते। तो ये भी इनका भी मेन आर्ग्यूमेंट ही है कि कोई ऐसा लॉ नहीं है, बट सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिस्टिंग्विश किया। वहां पे जो सेक्शन 61 था जिसमें ये बातें लिखी हुई थी, उसको कोर्ट ने, इनफैक्ट मैं आपको वो दिखा देता हूँ, ऑल्दो इट्स नॉट नीडेड, लेकिन मैं आपको एक सेकंड के लिए यहाँ पे आपको पीडीएफ शेयर करके दिखा देता हूँ। आई डिड नॉट इंक्लूड दिस जस्ट सो दैट हमारा बड़ा ना हो जाए। इनके सेक्शन 61 में क्या बोला जा रहा है, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द कॉमनवेल्थ इज वेस्टेड इन द क्वीन एंड इज एक्सरसाइज बाय द गवर्नर जनरल एज द क्वींस रिप्रेजेंटेटिव एंड एक्सटेंड्स टू द एग्जीक्यूशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि एग्जीक्यूशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑफ द लॉज ऑफ द कॉमनवेल्थ। तो ऑस्ट्रेलियन हाई कोर्ट ने यह कहा कि यहाँ पे कोई लॉ है नहीं एंड इट्स नॉट रिलेटेड टू द एग्जीक्यूशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट अब हम वापस चलते हैं अपने वाले पे। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिस्टिंग्विश किया, और सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि
उनकी तरह हमारे पास सेक्शन 61 नहीं है, हम कोई ऐसी चीजों से बाउंड नहीं है, और मतलब हम कोई ऑस्ट्रेलियन, देयर इज नो पैरेलल, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे चलेंगे। और इनफैक्ट हमारे यहाँ जो आर्टिकल 73 कहता है वो तो बस ये कहता है, मैं आपको यहाँ पे लाया भी हूँ, कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल एक्सटेंड टू द मैटर्स विद रिस्पेक्ट टू व्हिच पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉज। इट नेवर सेज कि पार्लियामेंट हैज मेड लॉज। उसी तरह आर्टिकल 162 कहता है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल एक्सटेंड टू मैटर्स विद रिस्पेक्ट टू विच द लेजिस्लेचर हैज पावर टू मेक लॉज। कहीं ये बात नहीं की गई कि इट हैज मेड लॉ। और फिर कोर्ट ये कहता है कि हमारे यहाँ भी लॉ बनाना जरूरी हो सकता है कई चीजों में, जैसे आप आर्टिकल 266 देखिए तो वो कहता है कि द गवर्नमेंट कैन नॉट इम्पोज एनी टैक्स से विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ, या कोई भी फाइनेंस अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाल रहा है तो उसके लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल या लेजिस्लेचर का अप्रूवल चाहिए। यहाँ पे कोई ऐसी चीज हो नहीं रही है। इनफैक्ट जो इसके लिए पैसा चाहिए था पब्लिशिंग के लिए वो अप्रोप्रिएशन एक्ट, मतलब जो बजट के टाइम है उसमें ऑलरेडी पास हो चुका है। तीसरी बात ये कह रही है, अब इस पे उसने डिस्टिंग्विश किया और सेम चीजों को वो इसमें भी यूज कर रहा है जब अपना जजमेंट दे रहा है। और यहाँ पे जजमेंट देते वक्त कोर्ट ने रिलाई किया एक मोतीलाल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये अलाहाबाद हाईकोर्ट के फुल बेंच का एक जजमेंट था। इसमें अलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये कहा था, यहाँ पे कोई बस सर्विस से रिलेटेड केस था कि गवर्नमेंट ने बस अपनी सर्विस यूज की थी तो जो अफेक्ट हुए थे, उन्होंने बोला गवर्नमेंट ये काम क्यों कर रही है, इट्स नॉट नीडेड, और ऐसा कोई लॉ नहीं है। तो कोर्ट ने ये इसी तरह आर्टिकल 73 और 162 को इंटरप्रेट करके कहा था कि भाई इट्स नॉट नेसेसरी फॉर एवरी डैम चीज जो गवर्नमेंट करती है उसके लिए उसको लॉ बनाने की जरूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन साफ साफ कहता है कि पार्लियामेंट मस्ट हैव पावर टू मेक लॉ, उस पर यूनियन काम कर सकता है, स्टेट मस्ट हैव पावर टू मेक लॉ, उस पर स्टेट एग्जीक्यूटिव काम कर सकता है। और ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट डिविजन ऑफ पावर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है द फ्लेक्सिबल अप्रोच, इट इज नॉट कि यूसर्प करेगा फंक्शन। लेकिन जैसे अब इसमें दिस इज ऑल दिस केस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये जो राम जवाया कपूर है फॉर द पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव, कोर्ट कहता है कि इट्स अ रेसिडुअरी पावर, जो काम लेजिस्लेचर जुडिशरी के बाद जो भी बच जाएगा वो एग्जीक्यूटिव करती है। इनफैक्ट ये हम नहीं कह सकते कि एग्जीक्यूटिव कुछ लेजिस्लेचर का काम नहीं कर सकती, इनफैक्ट डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है हमारे यहाँ जो एग्जीक्यूटिव करती है। ऐसा भी नहीं कह सकते कि एग्जीक्यूटिव जुडिशरी का काम नहीं करती, बहुत सारे जुडिशियल काम है जो एग्जीक्यूटिव करती है। इनफैक्ट जो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज हैं वो सब तो जुडिश मतलब एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, फिर भी जुडिशियल रोल प्ले करते हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, एनएचआरसी हो गई। तो इसलिए कोर्ट ने कहा कि ये सब एग्जीक्यूटिव हैज अ वेरी वाइड पावर, बट एग्जीक्यूटिव वो काम नहीं करेगी जो किसी अथॉरिटी को ऑलरेडी दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ के द्वारा। तो जो चीज ऑलरेडी नहीं दिया हुआ है तो इसलिए वो कर सकती है। मोतीलाल में भी कोर्ट ने यही पाया था कि ऐसा कोई वो है नहीं कि एग्जीक्यूटिव इसको नहीं करेगी। रिलाइंग ऑन मोतीलाल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, कोर्ट इन सुप्रीम कोर्ट इन राम जवाया कपूर होल्ड्स द सेम थिंग, 73-162 नेवर सेज कि पार्लियामेंट उस समय लॉ बनाई हुई होगी। दूसरी बात ये कहती है कि इसको लॉ बनाना पड़ता अगर कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ होता, या कोई रेवेन्यू हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लेते, या कोई टैक्सेशन से कोई कोई टैक्स इम्पोज करते। तो यहाँ पे बोला कोई टैक्स इम्पोज किया नहीं जा रहा है, जो रेवेन्यू लग रहा है इसको पब्लिशिंग में वो ऑलरेडी बजट में पास हो चुका है। और तीसरी बात ये कह रहा है कोर्ट कि अगर यहाँ पर फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि 19(1) आप पहले क्या करते थे, आप पब्लिश करते थे, आप देते थे स्कूल के प्रिंसिपल को और हो सकता था आपका सेलेक्ट हो जाता, तो यू डू नो आपको कोई पब्लिश करने से आज भी नहीं रोक रहा है। आप बस ये कह रहे हैं कि आप मैं गवर्नमेंट को देता था, स्कूल को देता था, और स्कूल चूंकि गवर्नमेंट एडेड थे तो एग्जैक्टली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट का से रहेगा ही, तो यू हैड अ चांस, आपके पास एक प्रॉस्पेक्ट था कि आपका बुक एक्सेप्ट हो जाए, और वो चांस अब नहीं एग्जिस्ट करता क्योंकि अब मैंडेट होगा कि गवर्नमेंट की बताई हुई किताब ही होगी, आप नहीं जाएंगे, ऑथर तो सीधे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा और गवर्नमेंट पब्लिश करेगी। तो आपको चांस कोई फंडामेंटल राइट नहीं दिखाता, यू आर नॉट गारंटीड कि आपकी किताब सेलेक्ट होगी, इसलिए आपकी कोई राइट टू लाइवलीहुड वायलेट नहीं हुई, ऑन द सेम ग्राउंड कोई राइट टू प्रॉपर्टी नहीं वायलेट हुआ। तो इसलिए अगर कोई फंडामेंटल राइट ही नहीं वायलेट हुई तब तो आर्टिकल 32 में पिटिशन ही नहीं बनता है, इसलिए आपका ये डिसमिस किया कोर्ट ने। तो दोस्तों ये रहा हमारा केस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस फॉर द स्कोप ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर, जिसका आप ये कहेंगे कि इट्स अ रेसिडुअरी पावर, इट्स अ वाइड पावर। एग्जीक्यूटिव का पावर क्या है कि वो पॉलिसी बनाता भी है और इम्प्लीमेंट भी करता है। पॉलिसी क्यों बनाता है? क्योंकि हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हैं एंड एग्जीक्यूटिव होल्ड्स द मेजोरिटी इन द लेजिस्लेचर।
और दूसरी किस चीज के लिए इम्पोर्टेंट है, दूसरा इम्पोर्टेंट है कि चांस इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो दोस्तों आई होप आपको ये केस समझ में आया होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले केस के साथ। टिल देन बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।